नमस्कार, वेब दुनिया समाचार में आपका स्वागत है। पेश है आज की प्रमुख खबरें। मनोहर पर्रिकर ने कहा, देश को आघात पहुंचाने वाले को करारा जवाब दिया जाना चाहिए। पठानकोट आतंकवादी हमले में अपेक्षाकृत बड़ी संख्या में सैनिकों के हताहत होने से आहत रक्षा मंत्री मनोहर पर्रिकर ने सोमवार को कहा कि देश को आघात पहुंचाने वालों को सही समय पर करारा जवाब दिया जाना चाहिए। रक्षा मंत्री ने कहा कि हर कोई जानता है, किसी को दुख पहुंचाने वालों को जब तक उतना ही आघात नहीं पहुंचाया जाएगा वह नहीं सुधरने वाला। पर्रिकर ने कहा कि देश को अपने सैनिकों की शहादत पर गर्व है, लेकिन वह इस नुकसान से दुखी है। उन्होंने कहा कि सैनिकों को इस बात पर ध्यान देना चाहिए कि वे अपनी जान बचाएं और देश के दुश्मनों की जान लें। पठानकोट हमले की जांच के लिए पाकिस्तान में संयुक्त जांच दल का गठन। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री नवाज शरीफ ने पाकिस्तान के गुप्तचर ब्यूरो के प्रमुख को पठानकोट एयरबेस पर हमले की घटना की जांच के लिए संयुक्त जांच दल गठित करने को कहा है। यह जानकारी रविवार को प्रधानमंत्री कार्यालय के सूत्रों ने दी। पाकिस्तान के एक्सप्रेस ट्रिब्यून की खबर के अनुसार आईबी, इंटर सर्विसेज इंटेलिजेंस तथा मिलिट्री इंटेलिजेंस का संयुक्त दल गठित करने का निश्चय एक उच्च स्तरीय बैठक में किया गया, जिसकी अध्यक्षता प्रधानमंत्री ने की। आतंकवाद के खिलाफ वैश्विक सहयोग चाहते हैं पुतिन। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने कहा कि वे आतंकवाद के खिलाफ दुनिया के अन्य देशों के साथ मिलकर लड़ना चाहते हैं। जर्मन दैनिक बिल्ड में सोमवार को प्रकाशित एक साक्षात्कार में रूस राष्ट्रपति ने कहा कि आज हम एक ऐसे आतंक का सामना कर रहे हैं जो सभी के लिए बड़ा खतरा है, लेकिन अभी तक हम सभी देश इस खतरे से निपटने के लिए एकजुट नहीं हो पाए हैं। हमें अब भी इसके खिलाफ एकजुट होने की दरकार है। पुतिन ने पश्चिमी देशों पर दुनिया भर के लिए खतरे को बढ़ाने का आरोप भी लगाया। चांद पर रहने का सपना बन सकता है हकीकत। वैज्ञानिकों की माने तो चांद पर गांव या बस्ती बसाने का सपना 2030 तक हकीकत में बदल सकता है। साइंस अलर्ट वेबसाइट पर छपी खबर के मुताबिक हाल ही में नीदरलैंड में हुए यूरोपीय अंतरिक्ष एजेंसी 2020-2030 तक चंद्रमा पर अंतर्राष्ट्रीय संगोष्ठी में वैज्ञानिकों और विशेषज्ञों ने उम्मीद जताई कि अगले दशक में अंतरिक्ष यात्रियों के लिए चांद पर गांव बसाने का सपना पूरा हो सकता है। उनके मुताबिक चांद पर गांव बसाने का सबसे बड़ा फायदा यह होगा कि आने वाले समय में मंगल और दूसरे ग्रह को मानव अभियानों में यह बीच के ठहराव के रूप में काम करेगा। नासा की कैथी लॉरेनी ने कहा कि ESA के अंतरिक्ष अन्वेषण रणनीति से मंगल ग्रह रास्ते पर मानव अभियानों के लिए चंद्रमा एक प्राथमिकता गंतव्य और बीच के ठहराव का काम करेगा। ये थे अब तक के मुख्य समाचार। और ज्यादा जानकारी के लिए लॉगिन कीजिए हमारी वेबसाइट www.webdunia.com। नमस्कार।